अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम किस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, पहले मेरा थोड़ा सा स्टॉक दिखाते हैं आपको। मेरा भाई एक रिवो रोको खड़ा हुआ है, एक जो है फॉर्चुनर खड़ी हुई है, एक विट्स है, एक सिविक है, ये ग्रैंडी खड़ी हुई है, एक रेस टोयोटा वालों की खड़ी हुई है, और एक ये गाड़ी खड़ी हुई है। इस गाड़ी का रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा ये है कि ये गाड़ी है आज जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। दरअसल कुछ ऐसा था कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी कि कुछ ऐसी गाड़ी का रिव्यू करते हैं जो फ्यूल एवरेज के अंदर कमाल लगती हो, नई गाड़ी हो। तो ये बिल्कुल नई गाड़ी है, अभी इस पर नंबर भी नहीं लगा है, और ये 2017 मॉडल की जो है सुजुकी वालों की एवरी है। अच्छा, एवरी के अंदर भी काफ़ी सारे वेरियंट आते हैं। सुजुकी एवरी के अंदर एक सादी भी आती है बिल्कुल, फिर इसके अंदर एक आती है 2 पावर, फिर आती है 4 पावर, फिर इसके अंदर 4 पावर के अंदर भी एक जो है वेरिएंट आता है जिसे हम कहते हैं PZ, जिसके ऑटो डोर वगैरह होते हैं। तो ये गाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2017 मॉडल है, 22, अब जाहिर सी 22 तो एंड हो गया, तो 2023 का ही नंबर लगेगा गाड़ी पे। और गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी खड़ी भी है माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छा लुक जो है गाड़ी दे रही है, देख सकते हैं आप। और गाड़ी जो है ये बता दूँ, अगर इसके कलर के बारे में बताऊँ तो ये गाड़ी आर ग्रेड की गाड़ी है। अब आर ग्रेड ये होता है कि जो भी इसका टचअप वचअप है वो सब जापानी है, मतलब जो जापान का टचअप वचअप है बस खाली वही है, बाकी पाकिस्तान में आने के बाद गाड़ी में कहीं टचअप वचअप नहीं हुआ है गाड़ी में किसी भी किस्म का। बाकी टायरों की अगर बात करते हैं तो टायर आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसमें अलॉय रिम्स जो है नहीं है गाड़ी के अंदर, सिंपल बिल्कुल स्टेपनिया है, और जो जेन्युइन लुक है गाड़ी का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप गोलाइयाँ देख सकते हैं टायर के ऊपर की, बिल्कुल डोरियाँ वगैरह सब पूरी हैं, और गाड़ी की साइड देख सकते हैं किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। ये आपको एक निशान दिख रहा होगा, क्योंकि ये निशान जो है गाड़ी पे नहीं है बल्कि ये बीट का निशान है, इसके अलावा कोई निशान नहीं है गाड़ी पे किसी किस्म का, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है। और कीमत के अतबार से बता दूँ, कीमत जो है गाड़ी की ये 22.5 लाख रुपये जो है गाड़ी की डिमांड है, और गाड़ी जो है मैं आपको अंदर से भी विजिट कराता हूँ, तो अंदर से आप गाड़ी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सोफा सीट भी आती है, कि ये सादी सीट भी आती है, सादी वाली है क्योंकि ये 2 पावर गाड़ी है। इसके अंदर 2 पावर आप समझ रहे होंगे मैं 2 पावर किस चीज़ को कह रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये जो है 2 पावर हम इस चीज़ को कहते हैं कि इसके 2 पावर है, यानी कि इसका एक ये फ्रंट ड्राइविंग साइड का और पैसेंजर साइड का जो डोर है, तो ये पावर इसके अंदर जो है ना होते हैं इसके। तो यहीं से ये मैं आपको अभी थोड़ा स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये मैंने चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो ये पावर क्या है तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बस शीशा उतर जाएगा यहाँ से आपके डोर का। बाकी जो पीछे वाले डोर हैं वो मैनुअली हैं, जैसे पाकिस्तान में होते हैं नॉर्मली गाड़ियों के अंदर, सेम वही सिस्टम है। अच्छा, गाड़ी की माइलेज मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी का माइलेज दिखा देता हूँ। गाड़ी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये चली हुई तकरीबन 67,672 किलोमीटर, 67,000 जो है गाड़ी चली हुई है, और ये जापान ओरिजिनल जो माइलेज है वो बता रहा हूँ। बाकी इसका जो है ये ऊपर एक ट्रे लगी हुई है, यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह कुछ थोड़ा बहुत जो होता है पेपर वर्क वगैरह वो रख सकते हैं आप। बाकी गाड़ी के अंदर जो है रीटेक मिरर की सहूलत मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने बटन दबाया तो ये देख सकते हैं आप रीटेक मिरर इसके काम कर रहे हैं, और यहाँ से आप जो है सेट भी कर सकते हैं जो साइड मिरर वगैरह हैं आपके। तो ये रिटेक मिरर हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी का माइलेज दिखा दिया मैंने, गाड़ी बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्रेश गाड़ी है। और इस गाड़ी की रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि थोड़ा सा आप इस गाड़ी के बारे में बताएं, तो इसलिए मैं ये जो है वीडियो लेकर आया हूँ। फिर मेरे पास ये गाड़ी खड़ी हुई भी थी शोरूम पे, तो मैंने बोला क्यों ना आज इसका रिव्यू किया जाए, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इसका गियर सिस्टम है, अच्छा गाड़ी जो है 660 cc है, और बाकी इंजन जो है, अच्छा कराची के एतबार से एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं कराची में होता हूँ, तो कराची के अंदर एक बार बता दूँ आपको गाइस कि कराची के अंदर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आजकल जो गाड़ियाँ नॉर्मली भी अगर आप सुजुकी वालों की लेते हैं, सुजुकी वालों की गाड़ियाँ हो गई, क्योंकि छोटी गाड़ी के अंदर तो एक तकरीबन हमारे पास यही ऑप्शन रह गया है सुजुकी की गाड़ी के, मतलब अगर पाकिस्तानी लोकल असेंबल पर आप गाड़ी लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर उस गाड़ी से इसको कंपेयर किया जाए तो नो डाउट ये बहुत अच्छी गाड़ी है, फ्यूल एवरेज इसका कमाल का है, और अगर ये 100 अगर गाड़ी इस्तेमाल करी जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पायदार चीज़ है और अच्छी चलती है गाड़ी। तो और पेट्रोल एवरेज भी जो है इसका बड़ा कमाल का है गाड़ी का। अच्छा, इसकी थोड़ा सा मैं आगे से भी लुक दिखाता हूँ आपको,
तो ये आप देख सकते हैं इसकी लाइट बिल्कुल साफ सुथरी हो रही है लाइट, किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, ये इसका लोगो आ गया। बाकी ये लाइट भी आप इसकी देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी है। बाकी आपको डिक्की से भी गाड़ी दिखाते हैं, ऊपर से छत से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल डोरिया वगैरह जो है गाड़ी की पूरी है। ये साइड भी आपको दिखा देते हैं और काफी अच्छी मैटिंग वगैरह गाड़ी के अंदर हुई भी है और अच्छी साफ सुथरी जो है गाड़ी मौजूद है। ये देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर आराम से। अच्छा नॉर्मली कराची के अंदर बल्कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इन गाड़ियों के अंदर पीछे भी सीटें लग जाती हैं, दो बंदे इधर बैठ जाते हैं आराम से, दो बंदे इधर बैठ जाते हैं, या एक पीछे सीट लग जाती है इस तरफ तो वहां पर तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन ये कि सामान रखने के लिए जापान से ओरिजिनल हालत में आती है गाड़ी, वो इस तरीके की आती है। तो स्पेस आप देख सकते हैं कि अगर आप एक फैमिली कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आपकी फैमिली भी आराम से आ सकती है और दूसरा ये कि सामान वगैरह भी आराम से आ सकते हैं। बाकी गाड़ी थोड़ी सी अंदर दिखा दूँ तो ये आप निशान निशान देख सकते हैं गाड़ी पे अंदर की तरफ, क्योंकि ये जापान से इस्तेमाल हुई हुई गाड़ी आई हुई है। अगर ये इसको अभी मैं सही करवा दूंगा तो फिर ये जेन्युइन नहीं रहेगी। तो ये निशान वगैरह मैंने आपको दिखा दिए हैं, गाड़ी की डिमांड बता दी है, 22.5 लाख रुपये जो है गाड़ी की डिमांड है और सुजुकी एवरी जो है गाड़ी है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज ये था आज का वो रिव्यू जो मैंने आपके लिए किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, वैसे तो मैं वीडियो बनाता हूँ ख़रीदने के लिए कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो गाड़ी हमसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी बेचना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है और हो सकता है कि अगर आप कॉल करें तो मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊँ किसी वजह से, क्योंकि बिज़ी होता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी की तस्वीरें व्हाट्सअप कर दें और नीचे डिटेल भेज दें तो हम आपकी गाड़ी ख़रीदेंगे भी। और अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो हम अच्छे प्राइस आपको देंगे आपकी गाड़ी के, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू जो मैंने आपके लिए किया, उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा तो चैनल को मेरे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।